इन्फॉर्मेशन है गिटार के बारे में, और इसके बाद आप सीखोगे तो आगे आपको फर्दर पता चलेगा। सबसे पहले आते हैं इसके बॉडी पार्ट्स गिटार के, जैसे ये साउंड बॉक्स सारा, और ये साउंड होल, ये ब्रिज, और ये स्ट्रिंग्स, ये फ्रेटबोर्ड राइट, और ये नेक, ये ट्यूनिंग कीज, ये सारा फ्रेटबोर्ड। इसके बाद है स्ट्रिंग्स, जैसे इसका नाम है ई ए डी जी बी और फिर से ई राइट, ये स्ट्रिंग्स के नाम है। और इसके बाद सीखने से सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग होती है फिंगर प्रैक्टिस, जो ये बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, मेरे को लगता है कम से कम ये 1-1.5 महीना चलती है अगर सही से आपका हाथ टिक जाए, बाकी डिपेंड करता है सीखने वाले पे। इसके बाद आती है हमारी कॉर्ड्स, कॉर्ड्स होती है जैसे ओपन कॉर्ड्स, फिर बार कॉर्ड्स राइट, इनके भी अलग अलग पोजीशन होते हैं, जैसे मेजर माइनर, मान लीजिए ए मेजर, ए 1 2 3 4 5 फिफ्थ फ्रेट पे ये ए मेजर, और इसको उठा ले तो ये ए माइनर। स्केल्स होते हैं ये स्केल्स, पेंटाटोनिक डायटोनिक सब मेजर माइनर, और मान लीजिए ए मेजर स्केल है ये रहा, तो इसका नोट है ए, ए नोट ये रहा इसका, ए मेजर ऐसे बनेगा, ये ए मेजर स्केल बन गया, और ए माइनर ये रहा, ये इसकी कॉर्ड फिर ए माइनर बन गई राइट। ऐसे भी आगे इसका बहुत कुछ जब आप सीखोगे तो आपको पता चलेगा राइट। जैसे ये नोट्स होते हैं ई, जैसे इस स्ट्रिंग का नाम है ई, बेसिकली आपको ये सीखने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए ए से जी तक राइट। ए जैसे ई स्ट्रिंग है ई, और ये नोट हो गया एफ, इसके बाद एफ शार्प, एफ शार्प के बाद जी, जी शार्प, ए राइट, ए शार्प, फिर बी, बी का कोई शार्प नहीं होता, इसके बाद सी राइट, सी शार्प, डी, ऐसे सो ऑन। जैसे ए स्ट्रिंग है, ए स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग है और ये सेकंड, सेकंड स्ट्रिंग का नाम है ए स्ट्रिंग। जैसे इसको करेंगे ना फर्स्ट फ्रेट पे, ये एक ए खाली बज गई, ए, ये रहा ए शार्प राइट, ये बी, इसके बाद ये सी राइट, सी शार्प, डी, ऐसे करके आपको सारे फ्रेट्स के ऊपर जो 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 भी नोट्स हैं उनके आपको सबके सब नाम ऐसे याद होना चाहिए। चलो याद भी नहीं, धीरे धीरे अपने आप पता चल जाएंगे। जैसे ये एक कॉर्ड है, ये रहा ये नोट राइट, ये रहा ये नोट, और फिर से ये रहा ये नोट राइट, इसको बन के ये एक कॉर्ड बन गई। ऐसे आगे आप फर्दर इसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे कोई कॉर्ड बनती है, मेजर कैसे बनती है, माइनर कैसे बनती है राइट। फिर इसके बाद आता है कॉर्ड जो बनती हैं ओपन कॉर्ड, जैसे बिगनिंग में हम अपना ओपन कॉर्ड से सिखाते हैं, जैसे ये रहा सी कॉर्ड राइट, ए मेजर, ए 1 2 एंड 3 सॉरी ए मेजर, इसको उठा लें और इसके पीछे रख दें सेकंड स्ट्रिंग पे नीचे, ये ए माइनर, ये रहा ए मेजर राइट, इसके बाद बी, ये रहा बी सेकंड फ्रेट पे, बी ये रहा बी माइनर, ये रहा बी मेजर, ये बी, इसको ऐसे भी पकड़ लेते हैं, ये रहा बी माइनर, बी मेजर राइट। इसके बाद सी, ये रहा सी ओपन, और ये रहा सी बार, सेम ये नोट है, सेम वॉइस है इसकी, ये देखो, और ये रहा राइट। इसके बाद डी, ये रहा ओपन में डी, और
रही है इसका बार, राइट। इसके बाद एफ, इसको बार ऐसे प्ले करते हैं। अगर ओपन बजाना चाहो तो इसको ऐसे ये रहा फर्स्ट स्ट्रिंग को थंब से अपने, ये रहा एफ, राइट। और ये रहा जी, ये और ऊपर की दो स्ट्रिंग, ये इसको आप ऐसे भी प्ले कर सकते हो, ये ए और ए, ए ए जी और बार में ए रहा जी मेजर, राइट। और ये रहा जी माइनर, इसी तरह ये एफ और ये एफ माइनर, राइट। इसके बाद स्केल्स आते हैं, स्केल्स जैसे जो 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 भी आपको नोट का स्केल, मान लीजिए आपको एफ मेजर निकालना या जी मेजर निकालना, कुछ भी है, मान लीजिए जी मेजर निकालना, ये रहा जी मेजर, राइट, थर्ड फ्रेट पे जी मेजर। इसके नोट कहाँ कहाँ से, सबसे पहले जी नोट ढूंढो, ये रहा सबसे ऊपर जी, और फिर ये रहा जी, ये रहा जी, फिर ये रहा, राइट, ये जी। इसका मेजर स्केल कैसे बन गया, इसके बाद जी माइनर, अरे जी माइनर, इसका कॉर्ड ये बनेगा। इसके लिए आपको फिंगर प्रैक्टिस सब करवाई जाएगी, जैसे ये रही पहली, राइट। फिर इसके बाद मूव होती है ये रो, इसी तरह ये पीछे आती है, राइट। इसके बाद ऊपर ये रहा, राइट। तो और फिर इसके बाद आता है जो सॉन्ग चलता है, मान लीजिए कोई गाना है आपको पसंद है, सबसे पहले उसका अगर आपको प्ले करना है तो उसको ढूंढना पड़ेगा किस स्केल में है, व्हाट इज द की ऑफ अ सॉन्ग, राइट। जैसे मान लीजिए कोई गाना है ए माइनर पे चल रहा है, ये रहा ए माइनर, या ए मेजर, जो भी ले लो, ए मेजर ले लो, ये रहा। तो इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन होता है एक, ये रहा ए, इसके बाद ये रहा बी माइनर, फिर सी माइनर, डी मेजर, ई मेजर, राइट, एफ शार्प माइनर, जी डिमिनिश्ड, और ए फिर मेजर, राइट, ये रहा। राइट, इसी तरह ए मेजर होल स्केल बन गया। जो जो भी ए मेजर स्केल में आपकी कॉर्ड्स आएंगी, जो सॉन्ग में यूज होंगी, वो इन्हीं के बीच में से आएंगी। ये पूरी भी यूज हो सकती है, ठीक है। और तीन या चार बेसिकली कॉर्ड्स होती हैं गाने में, ज़्यादा यूज़ करिए तो वो ज़्यादा परफेक्ट लगता है। कितने भी कॉर्ड यूज़ कर सकते हैं, जो जो नोट पे कोई आपका नोट रुक रहा है आपके गाने में, तो वो आप नोट का जो है कॉर्ड प्ले करेंगे, राइट। जैसे मान लीजिए ई माइनर है, ये रहा इसका स्केल, ये रहा, रुक गई, ये भी ई नोट है, ये रहा, सॉरी, ये ई माइनर, इसको आप यहां पे कर सकते हो, ये रहा, ये सेकंड फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग और सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, ये रहा, ये ओपन ई माइनर। इसमें बेसिकली कॉर्ड्स आती है ई माइनर में, ये देखो ई माइनर, डी मेजर, सी मेजर, ज़्यादा ये तीन कॉर्ड्स जो है वो ई माइनर स्केल की बेसिकली यूज में आती हैं। अगर इसके बाद कोई ऑफ नोट होगा तो उसकी यूज आती है,
बाकी हम फर्दर वीडियो में करेंगे। ओके।